Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एंड वेलकम टू testbook.com एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. सो आज आपके RRB NTPC की क्लासेस फिर से स्टार्ट हो चुकी है. तो अब ये जो टाइमिंग है ये टाइमिंग आप RRB NTPC की क्लास के लिए बेझिझक फॉलो कर सकते हैं. प्लस कोशिश करेंगे कि आपको कम टाइम में, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई फर्स्ट वीक में आपका पाइपलाइन हो जाएगा एग्ज़ाम, राइट. तो अभी आप पे कम ही टाइम है, तो कोशिश करेंगे जो आपकी एडवाइस हो उस पर हम लोग काम करें. सो इस वीडियो के एंड होने पर कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में आपको जो टॉपिक मुझसे पढ़ना है एटलीस्ट उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लीव करना, छोड़ना. क्लियर है? चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. चलिए सो स्टार्ट करते हैं. और आज चूंकि मेरे पास ऐसा आपकी रिकमेंडेशन का कोई परफेक्ट टॉपिक नहीं था, इसलिए अभी दो दिन मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रही हूँ RRB NTPC के लिए, जो आपके आ सकते हैं. क्लियर है? वेरी गुड सौम्या, 25 out of 20 अटेम्प्ट कीजिए इसमें. थैंक यू सो मच. चलिए सो वेरी नाइस. ओके चलिए स्टार्ट करें. तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, हाँ या ना, जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में मैंशन कर दो. जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि स्टार्ट करें हम लोग अपना सेशन, हाँ या ना. जल्दी से आंसर करिएगा. ओके चलिए. डिजीजेस करवाना है बेटा, मैंने कहा ना लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे वीडियो अपना टॉपिक मेंशन करना, क्योंकि लाइव चैट वीडियो खत्म होने के बाद बंद हो जाती है ना, तो हमें कॉमेंट बॉक्स दिखता है. चलिए वेरी गुड. सो स्टार्ट करते हैं. योर फर्स्ट क्वेश्चन सामने. आपका पहला क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन. इनमें से कौन सा यंत्र आपके सागर महासागर की डेप्थ यानी कि गहराई को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर करिएगा. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. पूछा जा रहा है कि कौन सा डिवाइस आपके डेप्थ ऑफ ओशन के लिए यूज किया जाएगा, लैक्सोमीटर, नैनोमीटर, फैथोमीटर, हाइड्रोमीटर. दीपाली कल क्लास नहीं हुई थी, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. ओके विनीत कुमार सी कह रहे हैं SSC, वेरी गुड. सी, काफी लोगों का सी आंसर आया है, कुछ लोग बी भी आंसर करें. चलिए सो करेक्ट आंसर करते हैं. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फैथोमीटर. बेसिकली फैथोमीटर इज अ डेप्थ फाइंडर, यानी कि आपका फैथोमीटर को डेप्थ फाइंडर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपके साउंड वेव को यूज करके जो भी गहराई होती है ओशन की उसको डिटरमाइन करता है. यानी कि फैथोमीटर किस चीज पर काम करता है या किसके थ्रू काम करता है, तो साउंड वेव के थ्रू ये काम करता है. क्लियर थी बात? ये चीज समझ में आ गई. ओके तो ये आपको बेसिकली इसमें याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप इस चीज को याद रखना. हाइड्रोमीटर पूछ रहे हैं, हाइड्रोमीटर जस्ट आपकी रिलेटिव डेंसिटी जो होती है उस रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं. क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बैरोग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाय. आंसर करिएगा, बैरोग्राफ इनमें से किसने खोजा था? आंसर करिएगा, बैरोग्राफ इनमें से किसने खोजा था? ओके सो करेक्ट आंसर कर देते हैं, ठीक है? हाँ तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए. आपके ल्यूसियन वीडी ने
1844 यानी कि 1844 में आपके बैरोग्राफ की खोज करी थी। बैरोग्राफ बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो चेंजेस आते हैं उसको मेजर करने के लिए बैरोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। गॉट इट, समझ में आ गया? ओके, हिंदी बता दिए। इनमें से किसने बैरोग्राफ की खोज करी? लुइसियन विदी ने 1844 में आपके बैरोग्राफ की खोज करी। ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि आपका वायुमंडलीय दाब में जो चेंजेस, जो परिवर्तन होते हैं उसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी? इनमें से कौन सी फिजिकल यानी कि भौतिक राशि आपकी स्केलर क्वांटिटी है? क्वेश्चन हिंदी में आज नहीं है, कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से मिल जाए, लेकिन आज नहीं हो पाया। तो स्केलर क्वांटिटी सब लोग जानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी पता होगा। ओके, सो करेक्ट आंसर कर देते हैं इस क्वेश्चन का। राइट, ए आंसर आ रहा है, ठीक है, मिंटी कुमारी। ओके, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है। पावर आंसर आ रहा है, श्वेता पांडे, विक्रम अधिकारी, वेरी गुड। वेट आंसर आया गोस्वामी जी का। क्लास कब होती है? सुबह 9:30 बजे, ठीक है। सो करेक्ट आंसर, कुछ लोग वेट आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग पावर भी आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर कर देती हूँ मैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन सी भौतिक राशि आपकी स्केलर क्वांटिटी है, तो पावर जो होगा यहाँ पे बेसिकली आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। पावर जो है वो आपका रेशियो होता है ऑफ टू स्केलर क्वांटिटी, और इसीलिए वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ेंगे। द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट पास्कल? इनमें से किसकी इकाई, कौन सी भौतिक राशि की इकाई पास्कल नहीं है? बताइएगा आंसर। इनमें से किस भौतिक राशि की इकाई पास्कल नहीं है? आंसर कर दीजिए। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन गाइज। और आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी, अभी बीच में बताऊंगी, जब हम लोग वो किटकैट ब्रेक लेंगे ना, तो वो किटकैट ब्रेक में भागना नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है मेरे पास जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, सो यहाँ पे आंसर बहुत कम स्पीड के साथ आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, और आंसर कर देती हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, बेसिकली पास्कल जो है वो यूनिट होता है आपका मोमेंटम ऑफ, सॉरी, पास्कल इज नॉट अ यूनिट ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मोमेंटम ऑफ इनर्शिया को किलोग्राम मीटर स्क्वायर में हम डिफाइन करते हैं इन अ एसआई यूनिट। क्लियर? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर याद कर लेना। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय? ओके, तो अभी शुरू में बताया था, थोड़ा सा शायद मिल जाएगा आप लोगों, किटकैट मिलेगा क्या? हाँ, मुंबई आइए, किटकैट खिला देंगे, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, बताना है वायुमंडलीय दाब इनमें से किसके द्वारा नापा जाता है? कम ऑन गाइस, जल्दी से आंसर। ए आंसर आ रहा है, और ओके, ठीक है, संतोष कुमार जी ए कह रहे हैं, वेरी गुड। कोई बात नहीं सियाली जी, आगे भी आंसर सही हो जाएंगे, डोंट वरी, ये आपका लर्निंग स्टेज है, तो अगर गलत भी करते हो तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत है। बैरोमीटर आंसर आ रहा है, सही है, बैरोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका एटमॉस्फेरिक बैरोमीटर से नापा जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन बॉम्ब वॉज डेवलप्ड बाय? हाइड्रोजन बॉम्ब को किसने विकसित किया था? आंसर करिएगा एडवर्ड टेलर, बर्नार्ड बॉर्न, जे रॉबर्ट एंड देन आफ्टर सैमुअल कोहन। आंसर करिए जल्दी से। पूछा है हाइड्रोजन बॉम्ब को किसने डेवलप किया था, ठीक है। ओके, लेट आ रहे हैं क्या, ठीक है। सो करेक्ट आंसर कर देती हूँ, और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने आपके बेसिकली 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के टाइम पे हाइड्रोजन बॉम्ब को डेवलप किया था, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, एक पेंडुलम का समय यान क्या होता है? पेंडुलम का समय बताना है आपको, हाँ, नाउ द आंसर। ओके, ठीक है, जल्दी से बताइएगा एक पेंडुलम का समय कितना होता है, टाइम पीरियड कितना होता है? ओके,
ओके, ए आंसर आ रहा है कुछ लोगों का और बी भी आंसर आ रहा है कुछ लोगों का, ठीक है, उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है, राइट. ओके, आकाश सिंह बी कह रहे हैं और अंकित राज ए कह रहे हैं. हेलो शुभी. ओके, सो करेक्ट आंसर करते हैं. आपके पेंडुलम की जो टाइम पीरियड होती है, मैथ्स में भी आप लोगों ने क्वेश्चन करे होंगे शायद, तो पेंडुलम की जो टाइम पीरियड होती है वो उसके लेंथ पर डिपेंड करती है, उसकी लंबाई पर डिपेंड करती है. द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड ऑन द लेंथ. क्लियर. ओके, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल बिकॉज, आपका जो रेन ड्रॉप है वो स्फेरिकल होता है, क्यों? आंसर करो. ओके, सो करेक्ट आंसर करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. द वॉटर हैज सरफेस टेंशन, आपके वॉटर का एक प्रॉपर सरफेस टेंशन होता है, इस वजह से आपकी जो रेन ड्रॉप है वो रेन ड्रॉप आपके स्फेरिकल शेप में रहेगी. क्लियर, वेरी नाइस. काफी लोगों के सही आंसर ऑप्शन नंबर सी को काफी लोगों ने चूज किया है. नाइस, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन इज, आपका सूर्य से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो बेसिकली किस उससे या किस प्रोसेस पर प्राप्त होती है. ओके, वेरी नाइस इनोसेंट जी. ओके, तो आंसर कर देते हैं आपके इस क्वेश्चन का. एंड गाइस गाइस गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल बिकॉज सब्सक्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको तभी पता चल पाएगा कि हम लाइव कब है. तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज सब्सक्राइब कर लेंगे. ओके ओके, तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए. और आपका इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी. बेसिकली इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इंटू अ हीलियम इन इट्स कोर, है ना, उसके कोर में ये बेसिकली रहता है. इसलिए आपको याद करना पड़ेगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन इसके अंडर आएगा. ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया है. न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है. ओके, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है दोनों चीजें, बता देते आपको. ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मेनली बिकॉज, जल्दी से आंसर करिएगा. डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि, अच्छा मैं वो बता रही थी. ठीक है, तो भाई एक बार देख लो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन क्या होता है. तो बेसिकली आपके जब भी जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके ये होता है. तो फिजन का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी अनसब्सटेबल न्यूक्लियर इनटू अ लाइटर, यानी कि फिजन में चीजें टूटती हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज से. फ्यूजन का मतलब होता है जब दो लाइट आपस में आकर के कंबाइन हो जाए. तो फ्यूज होना मतलब एक दूसरे में इन्वॉल्व हो जाना, फिजन मतलब अलग हो जाना. ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो. तो इस क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों ने अभी क्या दिया है देख लेते हैं. डायमंड, ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दे देते हैं. और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ डायमंड. आपके डायमंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन एज सच नहीं पाया जाता, इसीलिए डायमंड जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. ठीक है, या वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाई इज वेटलेसनेस एक्सपीरियंस्ड व्हाइल ऑर्बिटिंग द अर्थ इन स्पेस शिप. ओके, डी आंसर आ रहा है, ठीक है, सी भी आंसर आ रहा है. ओके, तो करेक्ट करते हैं आपके इस क्वेश्चन के आंसर को. और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीरो ग्रेविटी के कारण. बहुत कॉमन क्वेश्चन था, पर क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी थी जो इसने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया. तो जीरो ग्रेविटी के कारण आपका ये प्रोसेस होगा. चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड टेलीविजन, किसने टेलीविजन की खोज करी, टीवी जो हम लोग घर पे इतना बड़ा टीवी देखते हैं उसकी खोज किसने करी.
हाँ तो इजी क्वेश्चन है, मतलब आरआरबी एनटीपीसी का देखो लेवल बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला, जब एसएससी सीजीएल का लेवल यार बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, तो एनटीपीसी का लेवल डेफिनेटली बहुत नॉर्मल जाएगा। ओके तो करेक्ट आंसर कर देते हैं कि हु इन्वेंटेड आपका टेलीविजन। ओके सो करेक्ट आंसर जे एल ब्रेड, आपके डिस्कवर किया था टेलीविजन को। तो बेसिकली इन्होंने सबसे पहला अपना जो काम दिया था वो 1926 में इस पर दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड मॉर्निंग तरंग, इलेक्ट्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय, आंसर करना है इलेक्ट्रोस्कोप की खोज किसने करी। इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली आपके जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं किसी भी बॉडी पर, उस इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड पता करने के लिए आपका इलेक्ट्रोस्कोप यूज किया जाता है, और इसको किसने डिस्कवर किया था आपको आंसर करना है। ओके सो करेक्ट आंसर कर देते हैं, और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा विलियम गिलबर्ट। ठीक है तो विलियम गिलबर्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो इन्वेंशन वाले जितने भी जो क्वेश्चन है उनको रट लो, और कोई और कुछ इसका उपाय नहीं है, चारा नहीं है, बिकॉज आपको ये एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे तभी आप इन्हें सही कर पाओगे। तो चाहे तो अपनी ट्रिक बना लो, चाहे कैसे भी, क्योंकि इन्वेंशन से क्वेश्चन पक्का एक आध मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द लाइट विद द शॉर्टेस्ट वेव लेंथ। ओके वो लाइट, वो प्रकाश जिसकी वेव लेंथ तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, ये एक बार मैंने आप लोगों को बताया भी था। नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई बात नहीं पारुल, मैं रोज आती हूँ, आ जाए करो। ओके सो करेक्ट आंसर कर देते हैं आपके क्वेश्चन का, लाइट विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि वॉयलेट जो है वो आपका कलर, बैगनी रंग जो है उसकी सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है, जबकि आपका रेड जो है उसकी सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है। क्लियर है? हाँ, रेड और वॉयलेट में कन्फ्यूजन आया, तो वॉयलेट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बैगनी की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है इसलिए वो सबसे ऊपर होता है, ठीक है। रेड की सबसे ज्यादा होती है इसलिए सबसे लास्ट में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, इनमें से क्या केवल कार्बन का बना है। ओके आकाश, नेहा, कृष्ण, किशन सिंह ठाकुर, वेरी गुड जीतू, ठीक है अकरम जी, कोई बात नहीं, थोड़े से क्वेश्चन निकले हैं देख लीजिएगा। ओके सो करेक्ट आंसर कर देते हैं आपके इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ग्रेफीन। ग्रेफीन जो है वो प्योरली कार्बन का ही बना होता है, टू डायमेंशनल एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसका। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा। वेरी गुड, काफ़ी लोगों ने राइट आंसर किया है यहाँ पर। अमित शाह, वेरी गुड, दिब्लू कुमार, राहुल प्रजापति, तरंग अग्रवाल, काव्या, गीतेश कुमार, वेरी गुड। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनर्ट गैस विच इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन द एयर यूज टू डीप सी डाइवर फॉर ब्रीदिंग इज, आपकी वो इनर्ट गैस जो कि नाइट्रोजन के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज करी जाती है, जो आपके सी डाइविंग वगैरह होती है उसमें। आंसर करिएगा, ओके सो करेक्ट आंसर कर देते हैं, द सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हीलियम इज यूज। ठीक है तो आपका बेसिकली हाइड्रोलियोक्स का एक मिक्सचर होता है जिसमें ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन जो है मिलाई जाती है, और जब 130 मीटर आपके जब समुद्र में होते हैं उसके बाद ये आपका सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में काम करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द रबिंग सरफेस ऑफ अ मैच बॉक्स हैज पावर्ड ग्लास एंड अ लिटिल रेड, किसके कारण। आंसर करिएगा, आशा शर्मा, सुजाता, ठीक है, देवाशीष जी, मेरा टाइमिंग सुबह 9:30 साढ़े 9 बजे का। मैम आपका नाम क्या है, शेफाली राठौर। चलिए सो करेक्ट कर देती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा फॉस्फोरस। और अगर इसमें भी आपको डिफाइन करना पड़ जाए कि कौन सा फॉस्फोरस, तो रेड फॉस्फोरस इसके अंदर रहता है।
क्लियर, क्योंकि आरआरबी जेई में व्हाइट फॉस्फोरस का क्वेश्चन आ चुका है, जेई नहीं सॉरी एसएससी सीजीएल में, राइट। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्रिस्टलीकरण इनमें से किसका उदाहरण है, भौतिक चेंज, भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का, एक रासायनिक प्रक्रिया का, या फिर गैल्वेनीकरण का। ओके, सो करेक्ट आंसर करते हैं, एंड द राइट आंसर इज फिजिकल चेंज। क्रिस्टलाइजेशन जो है वो आपका एक भौतिक चेंज होता है, उसके पर्टिकुलर चीजों में चेंजेस हो जाते हैं, तो फिजिकल चेंज विल बी आ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस, अगर हम विनेगर और बेकिंग सोडा को एक साथ मिला दें तो क्या बनेगा। यानी बेकिंग सोडा का मतलब हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, और विनेगर का मतलब हो गया आपका एसिटिक एसिड, तो अब इससे रिएक्शन बनाओ। ओके, सो करेक्ट आंसर कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज हो जाएगी, विनेगर यानी कि आपका एसिटिक एसिड CH3COH, और आपका बेकिंग सोडा यानी कि आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, तो इनको अगर आप मिलाते हो तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाएगी। क्लियर है, ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय हैज अ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कॉपर, इनमें से किस मिश्र धातु में सबसे ज्यादा मात्रा में कॉपर है। आंसर करिएगा, इनमें से किस धातु में सॉरी किस मिश्र धातु में सबसे ज्यादा कॉपर है। आंसर करिएगा, ओके सो करेक्ट आंसर करते हैं, एंड द राइट आंसर इज ब्रॉन्ज, आपका जो कांसा होता है उस कांसे में सबसे ज्यादा कॉपर होता है, करीब 68 to 70% कॉपर आपके इसमें ब्रॉन्ज में होता है, जबकि रिमेनिंग पार्ट जो है वो जिंक का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट होगा, ब्रॉन्ज अगर सॉरी एक मिनट रुकिएगा, अच्छा ब्रॉन्ज और ब्रास, तो ठीक है हाँ, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही है, सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच मेटल एग्जिस्ट एज अ कॉमन कॉम्पोनेंट इन ब्रास ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर, इनमें से मतलब ब्रॉन्ज ब्रास पीतल कांसा और जर्मन सिल्वर में कौन सी मेटल कॉमन है। आंसर करिएगा जल्दी से, ये तरंग अग्रवाल यू कैन फॉलो, ओके सो करेक्ट आंसर कर देते हैं, और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी मेटल कौन सी धातु जो है वो आपके तीनों की तीनों एलॉय तीनों की तीनों मिश्र धातुओं में आपको मिलेगी, राइट यही पूछा गया है, ओके सो करेक्ट आंसर कर देते हैं, और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, आप लोगों का आंसर 10 आ रहा है, नहीं ओके सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉपर विल बी आ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट द एटम ऑफ विच कंटेन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, हमें वो उस एलिमेंट का मास नंबर बताना है, द्रव्यमान संख्या बतानी है जिनके जिसमें 2 न्यूट्रॉन है 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। बताइए, निकालिएगा मास नंबर। ओके सो करेक्ट आंसर कर देते हैं, और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4th, क्योंकि भाई आपका जो मास नंबर है वो नंबर ऑफ वो सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं करना था, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ देना था और आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज हेवियर देन ऑक्सीजन, इनमें से कौन सा गैस आपका ऑक्सीजन से ज्यादा भारी है। आंसर करिएगा, ओके सो करेक्ट आंसर कर देते हैं, ओके सो करेक्ट आंसर होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपके ऑक्सीजन से ज्यादा भारी है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो होगा आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
विच एसिड इज रिलीज्ड व्हेन एन एंट बाइट, यानी कि अगर एक चींटी काटती है तो कौन सा एसिड निकलता है? ओके, सो करेक्ट आंसर कर देती हूँ, और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फॉर्मिक एसिड, कॉमनली इट इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, तो बेसिकली फॉर्मिक एसिड आपके चींटियों के डंक में पाया जाता है. चलिए चलते हैं एक लिटिल छोटे से ब्रेक के पास, और जिसमें जाइएगा कहीं नहीं, मैं यहीं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ. तो सबसे पहले तो भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, बी द पार्ट ऑफ द टेक्स्टबुक फैमिली. सो उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, तो सब्सक्रिप्शन प्लीज़ कर लीजिए. जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो सब्सक्राइब अवश्य करें. अभी कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई पास के लिए पूछ रहा था, तो भाई ये आपके पास के लिए इस समय जो लिमिटेड ऑफर है वो चल रहा है 399, यानी कि 399 रुपये का आपका ईयरली पास इस समय रन हो रहा है. आपको वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल इससे रिलेटेड मिल जाएंगी, और ये लिंक जो इसमें लिखा है रेड कलर का, ये लिंक भी आपको इसके अंडर मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा. नेक्स्ट है, ये मेरा कोर्स है टॉप 3000 एमसीक्यूज ऑफ पॉलिटी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. मैंने 3000 एमसीक्यू का एक कोर्स रिलीज किया है. जो कोर्स है ये 10th जून से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. इसके अंदर आपको पॉलिटी के हर एक टॉपिक, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हिस्ट्री के हर एक टॉपिक, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी. ठीक है, तो एनरोल कर लीजिए, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं इसमें ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, और 200 सीट्स ही केवल मैं इस कोर्स के अंडर लेने वाली हूँ. नेक्स्ट स्लाइड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी चीज़ है वो है आपका SBI PO 2019 का एक्सपेक्टेड पेपर फॉर प्रीलिम्स के लिए हम शो कर रहे हैं आज शाम को 4 बजे, यानी कि 7 जून. तो 7 जून 4 बजे आप SBI PO 2019 के एक्सपेक्टेड पेपर के लिए तैयार रहिए, और अगर आप लोग इसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल को ज़रूर बताएं. ये सेशन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा. ठीक है, चलिए सो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और आपका क्वेश्चन आपकी जगह पर ये हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोनर एटम, इनमें से कौन सा डोनर एटम नहीं है? ओके, नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. आपके एल्यूमिनियम को छोड़कर ये सब आपके डोनर एटम के कैटेगरी में आते हैं. डोनर एटम जब उसको सेमीकंडक्टर के साथ ऐड किया जाता है तो वो एन टाइप रीजन का बनता है. ठीक है, उसको हम लोग आपका डोनर एटम कहते हैं, और एल्यूमिनियम आपका डोनर एटम नहीं बनाता है. ठीक है, स्किप किया है, नो इशू दीप्ति. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेसिकली 0 केल्विन इज इक्विवेलेंट टू, बताना है ये. जल्दी से आंसर करिएगा, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन गाइस, लाइक करते रहना लगे हाथ. ओके, सो आंसर कर देते हैं, और आपका -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डैश गिव हार्डनेस टू स्टेनलेस स्टील, इनमें से डैश आपका स्टेनलेस स्टील को हार्डनेस यानी कि कठोरता देता है. जल्दी से आंसर. ओके, सो करेक्ट कर देते हैं, और कार्बन जो है वो आपके स्टेनलेस स्टील को हार्डनेस देता है. अच्छा, पूछ लिया जाए गोल्ड को हार्डनेस कौन देता है? ठीक है, गोल्ड को हार्डनेस कौन देता है? आंसर करो जल्दी से. ये तो स्टेनलेस स्टील का हो गया, गोल्ड को हार्डनेस कौन देता है बताना है आपको. जल्दी से आंसर. कार्बन,
कॉपर, लपिता रे, वेरी गुड, कॉपर इज द राइट आंसर. गोल्ड को आपके कॉपर नहीं, चांदी कभी नहीं दे सकता. चांदी और गोल्ड को एक साथ रखते भी नहीं है इवन, है ना, क्योंकि वो उसमें मिक्स हो जाता है. तो यहाँ पे आपको कॉपर वॉज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल इन वॉटर, इनमें से कौन सा आपके जल में घुलनशील नहीं है. नॉट सॉल्युबल इन वॉटर बताना है, आंसर करो जल्दी. ओके, राइट आंसर लेड सल्फेट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आपका वॉटर में सॉल्युबल लेड सल्फेट केवल नहीं होगा, बाकी जिंक सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये तीनों ही आपके वॉटर में सॉल्युबल हो जाएंगे. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज, बताना है बायोगैस का मेन घटक, बायोगैस का मुख्य घटक बताइएगा. ठीक है, आंसर सही आ रहे हैं आप लोगों के. ओके, सो करेक्ट आंसर कर देते हैं, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मेन घटक मीथेन होता है, क्योंकि बायोगैस के अगर मैं घटक की बात करूं तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इसमें रहता है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन, आपका ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रक्त का जो पीएच है वो कितना होता है. ओके, सो करेक्ट आंसर कर देते हैं, और आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 7.35 टू 7.45 विल बी आर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो पीएच वैल्यूज जितनी भी है एनटीपीसी स्टूडेंट, प्लीज पीएच वैल्यूज याद कर लेना ध्यान से. जैसे ह्यूमन ब्लड का हो गया, टीयर का हो गया, ओशन का हो गया, स्लाइवा का हो गया, गैस्ट्रिक जूस का हो गया, यूरिन का हो गया, विनेगर का हो गया, ठीक है, लैक्टिक एसिड का, ये सारे जो आपके पीएच है, ये पीएच वैल्यूज एटलीस्ट आप लोग आज अपने होमवर्क के लिए कंप्लीट कर लो. ठीक है, शायद आप लोगों ने अगर नीट का एग्ज़ाम, बेसिकली रिजल्ट क्लियर हुआ है नीट का, और उसमें जो टॉपर है उनका कहना था कि वो अपना दिन का एक टारगेट बनाते थे, और उस टारगेट को तब तक, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो सोते नहीं थे. ठीक है, तो बहुत छोटा सा आपका आज का टारगेट है कि आपको पीएच वैल्यूज सारी याद करनी है. तो अपने लिए एफर्ट्स मारो और देखो कि आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेगा. ठीक है, तो गाइस हियर वी कंप्लीट फॉर टुडेज ऑफ टुडेज क्लास. तो मिलते हैं आपसे कल कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ. डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, और आज शाम को 4 बजे SBI PO के प्रीलिम्स का एक्सपेक्टेड पेपर हमारे यहाँ की फैकल्टीज कराने वाले हैं, तो उसमें भी आपकी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं. मिलते हैं आपसे कल सुबह 9:30 बजे, तब तक ले थैंक यू, ख्याल रखिए अपना.